जनाब, हम बात करेंगे आगे अपनी स्किल्स के बारे में। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। है ना? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे काफी सारी चीजों की, सो कैसे काम कर पाएंगे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने स्कूल के लिए, जो बहुत से के असाइनमेंट्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप? ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, और उसकी सॉफ्ट स्किल में क्या अहमियत है और उसको समझना जरूरी है। एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपके पास आपके टीम मेट्स हैं और टीम वर्क में आपने बहुत सारे काम करने हैं, अगर आपने अपने अपने हिस्से का काम ही नहीं किया और टीम को सिर्फ हुक्म देते गए ये कर लो ये कर लो ये कर लो, क्या फायदा है? ऑफकोर्स टीम भी भाग जाएगी और आपकी जो जिम्मेदारियां थी एज अ टीम लीडर, वो आप एज अ लीडरशिप कम्युनिकेशन सब बेकार है। सो ऑफकोर्स आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको क्या करना है वो जरूर आप डिलीवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टीम लीडर किस पे स्किल्स पे, टीम वर्क। टीम वर्क, अगर आप किसी जो है विजिट पर जाते हैं, कहीं ऐसे इवेंट में जाते हैं, या कोई ऐसा काम है, टास्क है जो टीम के बगैर परफॉर्म ही नहीं होगा, और आपकी अगर किसी दूसरे शख्स से बनती नहीं है, 2 3 दिन पहले कुछ पटा हो गया किसी बात पे, तो ऑफकोर्स उसको साइड में रखें। यस, और जिस बात पे और जिस चीजों की वजह से हुआ है उसको अलग करके, बल्कि आप जो चीजें हैं आगे करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करें। वो अपनी बात है, काफी बार होता है हमारे फ्रेंड्स कहते हैं आप तो स्मोकिंग कर लो। यस रियली, तो आपने उसकी बात पर एग्री नहीं करना, लेकिन आप एज अ ऑफिस में अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट करते हैं या आपका कोई टीम वर्क है, सो आप उस चीज में उनके साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्मोकिंग के टाइम पे स्मोकिंग नहीं करेंगे, या फिर वो कोई फजूल खर्ची का कोई डिनर शिनर करने का कह रहे हैं और एक्स्ट्रा पार्टी मनाने का कह रहे हैं और आपकी फैमिली कोई कमिटमेंट है, तो ऑफ कोर्स आप उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, तो इस बात पे काफी बार आपके झगड़े कुछ होते हैं, तो उसको अलग रखें, लेकिन आपको जो टीम वर्क का टाइम है उस पर आप वो चीजों को परफॉर्म करें और वेल डन करें। इस तरह बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसी सिचुएशन में हम आगे बढ़ते हैं टीम वर्क और चीजों में, कहीं ना कहीं सिचुएशन को हम आगे देखते हैं तो प्रॉब्लम तो है, अगर आपको अपने दोस्त के साथ दोस्ती भी रखनी है, ऑफिस के साथ ऑफिस के कलीग के साथ भी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फाइनेंशियल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, या सिर्फ आप किसी को सॉरी ही बोलते हैं या एक्सक्यूज कर देते हैं, एक्चुअली आप किसी को थैंक यू बोल देते हैं, तो आपको इसके प्रॉब्लम का मजीद हल मिल जाता है, या आप किसी से एक एडवाइस ही पूछ लेते हैं बड़ा उनको कर कर सो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के लिहाज से उस चीज को समझ सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में उस चीज को अंडरस्टैंड करना कि आप किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। काफी बार काफी लोग ये कहते हैं, और हमारे मैनेजर थी, वन ऑफ द मैनेजर नादिया करीम, हमेशा कहती थी कि डू नॉट कम विद माई कंप्लेन, कंप्लेन के साथ मत आओ बल्कि सोल्यूशन दो मुझे। सो हम अपने हॉस्पिटल के पीरियड में, टाइम पीरियड में जब मैं हुआ करता हूँ, तो कंप्लेन के साथ, अपनी रिक्वेस्ट के साथ या उस चीज़ों के साथ, अर्जी के साथ, हम ख्वाहिशों के साथ, छुट्टियों की हम अपने शेड्यूल जो था रोटेशन शेड्यूल का, कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेट भी देके चार्जर था, तो हाँ ऑफकोर्स वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती थी, क्योंकि काफी बार प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर नहीं हो और उनको सोचना पड़े, ऑफकोर्स वो चीजें भी आपको एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव करती हैं। सो वन ऑफ द गुड लीडर वो आपको वो चीजों के लिए भी स्पेस देता है, कि अलाउ करता है कि आप उस लिहाज से भी सोचे कि जो आपके मैनेजर किस चीज लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प आउट करो। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। थैंक यू।